गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त भावना। तो शुरू करते हैं आज का अपना नया आज मैं बना रही हूं लड्डू गोपाल की ड्रेस, जो कि है मेरी बहन के लिए, क्योंकि मेरी बहन के पास भी लड्डू गोपाल हैं, तो अब मैं उसके लिए बना रही हूं। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने उसके लिए कौन कौन सी ड्रेसेस बनाई हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं कौन सी बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो शुरू करें। सो आज मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस, जिसके लिए मैंने लिया है बेबी सॉफ्ट वूल। ये 3-ply की वूल है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। मैं बहुत टाइम से ये ऊन को ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं पा रही थी, सो फाइनली मुझे ये वूल मिली। तो आज मैं इससे बना रही हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस। जिसके लिए पहले मैं बनाऊंगी एक लूप ऐसे, ये मैंने बनाया एक लूप। अब मैं इसमें बनाऊंगी चेन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह 14, जिसके लिए मैंने ना इसमें 14 चेन ली है। एक चेन मेरे हुक में है, तो उसके बाद मैं दो और स्किप करूंगी, एक दो तीन, जो हमारी थर्ड वाली होगी। इस पे मैं धागा लेके इस पे डालूंगी। और अब हमारे पास ना तीन है, तो तीन का दो करूंगी, फिर दो से एक, फिर लूप लिया सेम चेन में एक और बार, तीन का दो और दो का एक। तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। फिर नेक्स्ट चेन में तीन का दो और दो का एक। तो हमें जो जितनी भी हमारी चेन है उसमें हमें दो दो बार डबल क्रोशिया करना है ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा आपका। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। गाइस, मैं भी एज एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी बिगिनर हूँ। अब मैं यहाँ पर से दो चेन लूंगी, एक दो। अब लूप लिया फर्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेकंड चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो हमारी थर्ड चेन है इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम चेन में एक और बार। इसकी हर चेन में हम जो अब थर्ड चेन आएगी उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बार। ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, और जो हमारी थर्ड चेन है इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक सेम चेन में एक और बार ऐसे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगी। सो मेरी थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है, सॉरी सेकंड राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं बनाऊंगी थर्ड राउंड।
जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें स्कार्फ बनाया था, हेड बैंड। कितना इजी था उसको बनाना। मैंने यहाँ पे दो चेन ली, इसको टर्न करूँगी, जो मेरी फर्स्ट चेन है इसमें एक बार डबल क्रोशिया, एंड जो मेरी सेकंड चेन है इसमें एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और जो थर्ड चेन है इसमें एक बार डबल क्रोशिया, और जो फोर्थ चेन है इसमें भी एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और जो मेरी फिफ्थ चेन है इसमें मैं दो बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सो मेरी थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें पहले दो चेन लूँगी, एक दो, अब इसको टर्न करूँगी। अब यहाँ से हमें इसमें स्लीव्स बनानी है, तो उसके लिए जो हमने दो चेन लिया है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक डबल, तो हमारे दो डबल क्रोशिया हो गया, एक हमारी चेन हो गई और एक ये दो, तीन, चार, पांच, छः। तो ये हमारी छः डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हम यहाँ से स्लीव्स बनाएंगे, तो वैसे पहले लूप में लेंगे, फिर यहाँ से हमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इस चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे तीन हैं, तीन, फिर दो का एक, ये हमारा एक हो गया। अब हम यहाँ से बनाएंगे, ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए, ये हमारे तीन, ये चार, ये पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस और एक ग्यारह। तो हमने जो बीच के चोली है हमारी, यहाँ पे हमने छः बुने और इसमें नौ का गैप देके दसवें में हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारा एक बाजू बन गया। फिर हमने बीच में ग्यारह बुने, फिर हम यहाँ से नौ चेन स्किप करके दसवें में डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यहाँ ऐसे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स बन गई हैं, दो, ये हमारी दो डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा, और ये हमारा छठा। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बन के आया है। तो ये हमारी चोली बन के रेडी है। तो अब मैं लूँगी यहाँ पे दो चेन, एक और दो,
इसको टर्न करूँगी और जितनी भी हमारी चेन है उसमें हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना के ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। इसमें कहीं पर घटाना नहीं है, कहीं पर बढ़ाना नहीं है, बस आपको जो भी चेन दिख रही है उसमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। सो मैंने अपना वो राउंड कंप्लीट कर लिया है, एक एक बार डबल क्रोशिया करके मैंने अपना ये पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारी चोली कुछ इस तरीके से रेडी हुई है। अगर आपको लगता है कि आपकी चोली की जो लंबाई है वो कम है तो आप एक रो और बना सकते हो। ये मैंने सिंगल क्रोशिया, आप चाहो तो दो चेन लेके फिर दोबारा से एक बार और ऐसे ही, अगर आपको चोली लंबी चाहिए तो आप एक रो और कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप अपना घेर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जो घेर बनाऊंगी वो बिल्कुल सिंपल होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने अपनी अभी ड्रेसेस बनाई है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाई है, बिल्कुल सिंपल है। गाइस आप देख सकते हो मैंने ये चोली बनाई हुई है, पहले बिल्कुल सिंपल है, मैंने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला है। मैंने लास्ट में इसमें ये थोड़ा सा ऐसे बनाया है, इसको पूरा सिंपल है, इसमें मैंने कहीं को डिज़ाइन नहीं बनाया है। और मैंने इसकी चोली भी इतनी रखी है जितनी मैंने इसकी बनाई है, अभी सेम चोली है ये। तो आप चाहो तो अगर आपको घेर ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। क्योंकि लड्डू गोपाल की जो ड्रेस बनाना बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्रोशेस ट्राई किया था, और आपने मेरे काफ़ी मतलब लास्ट वीडियो में देखा होगा मैंने अपनी मासी के लिए लड्डू गोपाल के भी ड्रेसेस बनाई हैं, तो मैंने ये बनाई है एक और, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, आप देख सकते हो। और जब आप पहनाओगे तो बहुत ही सुंदर। मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है तो मैं ये अपनी मेरी सिस्टर के पास है तो मैं उसके लिए बना रही हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। और सेम मैं इसको भी ऐसे ही बना के रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने ये ड्रेस बना दी है, इतनी कंप्लीट कर दी है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको दो चेन लेनी है, आप कहीं पर बढ़ा सकते हो, कहीं पर नहीं, कहीं पर आप एक चेन में दो बार बनाइए, कहीं पर आप पूरी चेन को एज ए सिंगल डबल क्रोशिया कंप्लीट कीजिए। जो लास्ट की चेन है इसमें मैंने हर एक चेन में डबल क्रोशिया किया है, जो मेरी पूरी लास्ट की चेन है, तो मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि मैंने, तो यहाँ पर मैंने एक दो तीन, यहाँ पर मैंने तीन चेन ली, ऐसे लूप लिया, इसमें डाला, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर मैंने यहाँ पे एक और दो, दो चेन ली, ऐसे लूप लिया। फिर आपको जैसे मैंने फर्स्ट चेन में डाला है, आप सेकंड चेन छोड़ के थर्ड में डालना ऐसे। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर दो चेन लेके फिर एक चेन स्किप करके सेकंड चेन में ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, फिर दो चेन ली, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे बन के आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे पफ भी बना सकते हो। बहुत इजी है पफ बनाना भी, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने तीन चेन, उसके बाद आप ऐसे लूप ले, थोड़ा धागा को लूज रखना पफ के लिए, एक बार लिया आपने, फिर लूप लिया सेम चेन में एक और बार, तो ये हमारा दो बार हो गया, और एक और बार ले लेंगे तो ये तीन बार, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। आप चाहे तो फोर फाइव जितना आपको लगता है कि हमें लूप की ज़रूरत है आप ले सकते हो। तो मैं इसको एज ए सिंपल में ही रखूँगी, मैं जो पफ वाला है वो दूसरा बनाऊँगी।
तो इसके मेरी तीन चेन हो गई। फिर मैंने किया डिक डबल क्रोशिया बनाया, फिर मैंने यहाँ पे दो चेन ली, फिर एक चेन स्किप करके दूसरे में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन ली, फिर एक चेन स्किप करके दूसरी में ऐसे। तो ऐसे करके मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। सो गाइस, मेरी ये लड्डू गोपाल की ड्रेस बन के रेडी है। तो मैं जो यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा है इसको कट कर देती हूँ। तो ये बन के रेडी है मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस। और मैंने इसकी ये चेन भी बना के रख ली है। सो ये बन के रेडी है मेरी ड्रेस। मैंने इसमें चेन भी लगा दी है पीछे से। तो आप चाहो तो इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, इसमें पल्स वगैरह लगा के, मोतियाँ वगैरह लगा के। तो मैं इसको भी प्लेन रख रही हूँ। सो मेरा ये एक ड्रेस ये है रेडी। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बनाई है। एक आप देख सकते हो, मैंने ये बनाया है, ये मैंने मल्टी कलर में बनाया है। एक ड्रेस मेरी ये है और एक मैंने ये प्योर वाइट में बनाया है। ये है रेशम का, जो रेशम की जो ऊन होती है, तो ये मैंने उस पर बनाया है। अब देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है वाइट कलर में। ये देख सकते हो गाइस, मैंने ये भी बनाई है इस टाइप से। आप रखोगे तो इनको ऐसे। और एक मैंने वाइट में इसका पैटर्न आप देख सकते हो, मतलब सेम ही है ऊपर से लेके, बस यहाँ पे मैंने इसमें पफ बनाए हैं। इसमें आप देख सकते हो, इसमें मैंने ये फ्रंट पोज से बनाया है, इसको फ्रंट पोज बोलते हैं। मैंने ये बाद में वीडियोस में देखे थे। और एक मैंने ये बनाई है छोटे से, ये एक नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई है मैंने। इसका पैटर्न भी मैंने सेम जो मैंने अभी बनाया है उसके पैटर्न की तरह रखा हुआ है। तो एक ये है मेरा। सो ये अभी तक मैंने कंप्लीट किया है। और मैंने इसके साथ की मैचिंग कैप बनाई है। सो मैंने जो अभी तक कंप्लीट किए हैं वो ये हैं, दो तीन चार पाँच छः। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और दिल्ली की सर्दी को एंजॉय कीजिए।